हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप क्लास 10 में हैं और आपका पेपर बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है, तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैथ के कि जो आपके पेपर में 100% फंसेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएंगे उसमें 99% फंसेगा, इसमें से आपको 10 नंबर का काम हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन हम आपको आज जो बताने वाले हैं, उस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो आप पेपर में सिर्फ बिना कलम उठाए 10 नंबर का काम कर देंगे। तो कौन कौन सी है सब हमको आपको बताएंगे। तो देखिए, इसीलिए हमने क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है अब की बार अंतिम प्रहार। अब की बार अंतिम प्रहार, यानी इस बार हम लोगों को अंतिम प्रहार करनी है और 95 से प्लस स्कोर हम लोगों को लाना है। तो हम लोगों को 95 से प्लस स्कोर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमें 95 से प्लस स्कोर लाने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और वो लक्ष्य तक पहुंचाएगी आपको ये वीडियो। इसलिए इस वीडियो को राम बाण भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वीडियो आपको एक राम बाण की तरह हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर चलना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर चलना है। अरे वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, आ तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो दोस्तों, आपको ये करना है कि आपको एक एम लेकर चलना है कि हमें क्लास 10 में बोर्ड के एग्जाम में 95 से प्लस स्कोर करना है, तो करना ही है। तो एक एम बनाकर चलिए कि हमें इतना पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं और आपको हर एक मेथड से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक नहीं दो तीन, जितने मेथड से कहेंगे उतने मेथड से हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा है हम लोगों से कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। क्या कहा, कहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। अब देखिए, इसे हम कई मेथड से बताएंगे आपको। देखिए पहला क्या कहा है, समांतर माध्य निकालने का ना। देखिए 1 से 9 तक, तो अब देखिए 1 से 9 तक कहा है, तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक हो गई प्राकृतिक संख्या। अब बताइए 9 तक ये प्राकृतिक संख्या हो गई, कहा क्या है, समांतर माध्य। तो हम लोग का जो रूल कहता है, रूल तो यही कहता है कि सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग दो। क्यों, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी अंकों की संख्या। क्या, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी अंकों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए आप सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 45। क्या, जोड़ने पर आएगा 45। और संख्या कितनी है, तो संख्या है 9, तो 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर 5, आ जाएगा आंसर 5। लेकिन 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 बात यह है कि आप पेपर में इतना करना नहीं है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप देखते ही मार देंगे क्वेश्चन का आंसर। क्या, आप सिर्फ देखेंगे कि अरे हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या कहा है, अगर लगातार कह दें, यानी 1 से 9 तक का है ना, तो लगातार प्राकृतिक संख्या है। देखो अगर लगातार कह दें तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहला वाला उठाना है और लास्ट वाला उठाना है और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, पहला वाला उठाना है, लास्ट वाला उठाना है और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो देखिए पहला वाला है 1, दूसरा वाला है 9, जोड़ कर भाग दे देंगे। देखिए कितना हो गया 10, 10 में 2 से भाग देंगे कितना हो गया 5 आंसर आ गया, कितना हो गया 5 आंसर आ गया। तो अब बताइए आपका एक नंबर का काम हो गया। ये पेपर में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये लिख कर रख लो, नहीं आएगा तो ये चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से हमने दो दो तीन तीन मिनट आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि साइन 9 अंश। क्या कहा है कि साइन 9 अंश अपान कॉस 81 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए कहा है कि साइन 9 डिग्री अपान कॉस
81 डिग्री। तो अब इसका भी हम दो मेथड बताएंगे। देखिए अगर लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे, देखिए लगाना रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए साइन 9 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन 9 अंश को आप लिख सकते हैं ना कि साइन 90 माइनस 9, क्या लिख सकते हैं साइन, नहीं साइन 90 माइनस आप लिख सकते हैं 81, साइन 90 माइनस 81 लिख सकते हैं। अपान में क्या है, ये है cos 81, क्या है ये है cos 81। अब बताइए कि साइन 90 माइनस 81 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 81 को बाबू तुम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो cos 81, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप cos 81, आ cos 81 आइए था नीचे cos 81, आ दोनों कट के क्या आ गया एक, दोनों कट के क्या आ गया एक, तो आंसर कितना होगा एक। ये तो लगाने वाला मेथड हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो लगाने वाला मेथड हो गया। अब देख कर कैसे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, आप देख कर कैसे बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। तो अब देखिए देख कर बताने का आइडिया कि जब भी ऐसे में आए, क्या जब भी ऐसे में आए ऑप्शन में एक दिया हो तो जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिएगा, उसका आंसर एक मार दीजिएगा। अगर डिग्री वाला ऐसा पूछे तो आप सीधा अगर बटा में भाग में दिया रहे तो सीधा आंसर क्या मारिएगा, सीधा आंसर उसका एक मारिएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बताते हैं, सीधा आंसर क्या मारेंगे, सीधा आंसर एक मारेंगे, समझ में आया, सीधा आंसर एक मारेगा, ये हो गया अगला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यक्स स्क्वायर अपान 5 = 20 का हल होगा, क्या यक्स स्क्वायर अपान 5 = 20 का हल होगा। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं हम लोग, तो क्या दिया यक्स स्क्वायर अपान 5 × 20, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो क्या होगा यक्स स्क्वायर बराबर 100 होगा। ये देखिए ये जब स्क्वायर उधर जाएगा ना तो वो हो जाएगा वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा, ये आएगा प्लस और माइनस में। अभी हम आपको बताते हैं कि प्लस माइनस में क्यों आएगा, देखिए अगर आप प्लस 10 का वर्ग करते हैं तब 200 आता है, माइनस 10 का वर्ग करते हैं तब 200 आता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाएगा। तो आंसर आपका हो गया बी, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी, समझ में आया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक गोले का व्यास, क्या कहा है बच्चों, ये कहा है आपको कि एक गोला है वो का व्यास डी है, ठीक है, कह दिया है एक गोला है ओका पूरा है जो व्यास है ना उका है डी है, एक गोला का पूरा व्यास डी है तो इसका पूरे का आयतन पूछा है, पूरे का क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो आयतन मतलब होता है ना कि जितना वो अमा सके, ठीक है, आयतन मतलब कितना, जितना उसमें अमा सके। तो अब बताओ कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है बाबू 1/3 πr³ होता है, लेकिन यहाँ तो तुम्हें डी दिया है, ऑप्शन में भी तुमको डी में पूछा है, तो क्या करोगे, देखो जो त्रिज्या होता है ना वो दुगुना होता है के कर व्यास का, त्रिज्या दोगुना होता है किसका, व्यास का, तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालोगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, त्रिज्या निकालोगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दो तो 1/3 πr नहीं, अब यहाँ पर क्या रखेंगे d/2, तो यहाँ 6 हो जाएगा, आइए क्यूब है 1/6 πd³, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान तरीका से हमने आपको बता दिया, अरे इतना आसान तरीका से आपको बताएंगे ना कि आप सिर्फ देखते देखते उसका आंसर मार देंगे, क्या आप सिर्फ देखते देखते कहेंगे कि नहीं इसका यही सही है, तो इसका यही सही है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और पेपर में इस बार आपको 90+ स्कोर हम दिला कर रहेंगे, तो एकदम फोकस करिए, ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब समझते हैं ना कि इसमें जो क्वेश्चन कराया जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं और अब भी वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो वही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि एक परीक्षा में 8 छात्रों के प्राप्तांक, क्या कहा है, एक परीक्षा में 8 छात्रों के प्राप्तांक 7, 3, 5, 4, 3, 2, 3 और 5 है,
तो छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक क्या होगा? देखो बच्चों, पूछा है बहुलक। अब जानते हो कि बहुलक क्या होता है? देखो बहुलक वो होता है ना जिसमें सबका ज्यादा मान हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार आए वही क्या कहलाएगा बहुलक। जो संख्या में सबसे ज्यादा बार आए वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या है, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा चीज कौन सा आया है, इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन सा आया है, तो आपको दिख रहा होगा तीन। देखिए तीन कितने बार आया है, तीन तीन बार आया, तो ये सबसे ज्यादा बार इस संख्या में आया है, तो इस संख्या का बहुलक कितना हो जाएगा? तो इस संख्या का बहुलक हो जाएगा तीन। ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान है, आप देखते सिर्फ बता सकते हैं कि इस संख्या का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसी तरह साथ में जुड़े रहें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि टेन ए इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ठीक है क्या, यदि टेन ए इक्वल टू अंडर रूट थ्री तथा टेन बी इक्वल टू वन अपान अंडर रूट थ्री, तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और इसी फार्मूले पर अगर आप रखेंगे तो टेन ए का मान दे दिया अंडर रूट थ्री है, इसका मान अंडर रूट वन अपान थ्री, आइए वन माइनस अंडर रूट थ्री गुणे वन अपान अंडर रूट थ्री, इससे इसे कट गया, आया कितना एक, आया कितना यहाँ एक, एक मिले एक घटाओगे कितना हो जाएगा जीरो। और किसी भी संख्या के अगर हर में जीरो हो, किसी भी संख्या के हर में जीरो हो तो उसका मान हो जाता है इनफाइनाइट। बच्चों अगर कोई भी संख्या तुम्हें लाख हो करोड़ों अनंत कितनी भी संख्याएं देती और उसके हर में अगर लिख दे क्या जीरो, उसके हर में क्या लिख दे, उसके हर में अगर लिख दे आपको जीरो, तो वो समझ जाइएगा कि वो संख्या का आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। वो संख्या का आंसर क्या होगा, वो संख्या का आंसर होगा इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, वो संख्या को डिफाइंड नहीं किया जा सकता, वो संख्या अपरिभाषित है। ठीक है, जिस संख्या के हर में जीरो हो वो संख्या का आंसर तुरंत आप कह दीजिएगा कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आसान तरीका से बताएंगे ना कि आप सोच बस देखकर आप आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? अब बच्चों देखो, अब देखो तो क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या है? तो अब देखो साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को तुम लिख सकते हो यहां से कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू यही है कास थीटा। अब क्या करें, यहाँ से आप कर दीजिए तुलना, तो यहाँ से तुलना करने पर क्या बचेगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू टू थीटा, और टू से 90 में भाग दे देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। थीटा बराबर देखो कितना आसान तरीका से हमने बताया, आप देख के सिर्फ आंसर मार सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा, आप यहाँ पर देख के आंसर मार सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान यहाँ से 45 होगा। और बस देख के याद कर लीजिए ना बस कि साइन थीटा और कास थीटा कहीं भी दे और पूछे थीटा का मान तो 45 है, साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा कहीं भी दे तो थीटा का मान कितना 45 है, साइन थीटा कास थीटा कहीं भी दे तो थीटा का मान 45 है, एकदम याद कर लीजिए, ये पेपर में जरूर पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एकदम आसान तरीका से आपको बताएंगे। तो देखिए दिया है ना कि आंकड़े इतना 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 है और इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी बच्चों हमने आपको ये वाला पांचवा नंबर का क्वेश्चन बताया जिसका बहुलक निकालना था, पांचवा नंबर का क्वेश्चन बताया क्या जिसका बहुलक निकालना था। तो बहुलक में हमने बताया कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही होगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही होगा। अरे भाई वही ना, जो जीता वही सिकंदर, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही सिकंदर होगा ना। तो देखते हैं कौन सिकंदर बन रहा है इसमें, देखते हैं क्या कौन सिकंदर बनेगा इसमें। तो देखिए सबसे अधिक संख्या कौन दिखी, देखिए 38 को गिन लें, 1 2 3 4, देखिए 38 यहाँ पर चार बार आया है, और देखिए 19 कहीं चार बार आया है, 19 सिर्फ दो बार आया है,
19 सिर्फ दो बार आया है, फिर 25 सिर्फ दो बार आया है, और 18 एक बार, और 36 भी एक बार। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा कौन आया? 38 सबसे ज़्यादा कौन आया? 38। तो सिकंदर कौन बनेगा? तो सिकंदर बच्चों बनेगा यहाँ पर 38। तो आंसर हो जाएगा आपका 38। आंसर क्या हो जाएगा आपका 38। इतना आसान आसान तरीका से हम आपको बताएंगे कि आप पेपर में 100% करके आएंगे, आप पेपर में 100% करके आएंगे। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका कहा है यदि यक्स स्क्वायर माइनस वन अपन नाइन इक्वल टू जीरो। क्या यदि यक्स स्क्वायर माइनस वन अपन नाइन इक्वल टू जीरो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस वन अपन नाइन इक्वल टू जीरो, तो यक्स का मान बताइए। तो बच्चों ध्यान देना कि हम क्या करें कि यक्स स्क्वायर को इधर रहने दे, इसको इधर भेज दें, तो हो गया। अब क्या इधर जाएगा तो करनी बनाएगा, करनी बनाएगा, अब वन अपन नाइन करनी से निकलेगा तो क्या होगा प्लस माइनस वन अपन थ्री। अभी हमने बताया कि आपको प्लस माइनस क्यों लगाना है, प्लस माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि आप अगर प्लस वन अपन थ्री को वर्क करें तो वन अपन नाइन आएगा, आप अब माइनस वन अपन थ्री का भी वर्क करें तो आएगा वन अपन नाइन। इसलिए आपको यहाँ प्लस भी लगाना है और माइनस भी लगाना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, वहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। देखो बच्चों एकदम आसान तरीका से बताएंगे, आप पेपर में 100% फंसेगा, नहीं फंसेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन पेपर में ज़रूर फंसेगा। हम 100% दावा के साथ कर रहे हैं कि ये पेपर में ज़रूर फंसने वाला है। अब देखते हैं, ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है कि यदि संख्याएं इतना 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 है तो इनका समांतर माध्य 20 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों समांतर माध्य दे दिया है आपको, आपको क्या किया है, आपको समांतर माध्य दे दिया है और आपसे ये पूछा है कि आप बताइए कि यक्स का मान क्या होगा। देखिए पहला रूल तो हमें यही कहता है किताबी, हम लोग को देखिए किताबी रूल तो यही कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, क्या करो इतनी जो जितनी संख्याएं दिख रही है इन सब को जोड़ो और इक्वल टू 20 करो तब इसका आंसर आएगा। तो लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप देखते हैं आंसर मार देंगे, वो देखिए कैसे। आपको क्या करना है कि सिर्फ इसमें से यक्स वालों को निकालना है, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसमें से यक्स वाले को निकालना है। तो यक्स वाला कौन सा दिख रहा है, एक ये तो इसको निकाल लीजिए। तो क्या यक्स प्लस टू, इसको जोड़ दीजिए यक्स माइनस टू, दोनों को जोड़कर दो से भाग दे दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए 20। ये ट्रिक है, ये क्या है, ये हमने आपको ट्रिक बताया कि दोनों को जोड़कर दो से भाग दे दीजिए, इक्वल टू जितना मान देता उतना लिख दीजिए। अब बताइए ये इधर है कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना 40, ऐसे ही इसे कटा दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। अब बच्चों यही पूछा था हम लोगों से, बच्चों क्या पूछा था आपसे, ये पूछा था कि x का मान बताओ, आपसे क्या पूछा था कि x का मान बताओ। तो x का मान देखो कहीं 20 दिया है, देखो ये दिया है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। देखो एकदम आसान तरीके से बताएं, आप क्या करेंगे कि आप 27 25 23 ये सब जोड़ेंगे, उसके बाद कितनी संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ संख्याओं से भाग देंगे, उसके बाद इतना करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगा। आसान कैलकुलेशन में हमने आपको क्या बताया, तो आसान कैलकुलेशन में हमने आपको बताया कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो और दो से भाग करके इक्वल टू वो दिखा दो जो समांतर माध्य दिया है, और वहाँ से तुम्हारा यक्स का मान एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से एकदम बताया बच्चों आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन कहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। अब कहा है 1 से 10, कहा क्या है, कहा है आपको 1 से 10 तक की संख्याएं। तो अब बताइए कि 1 से 10 तक की संख्याएं लीजिए, वो भी कैसी, वो भी सम संख्याएं, वो भी कैसी सम संख्याएं, वो भी कैसी होनी चाहिए धनात्मक। तो सम संख्याएं लिखते हैं, तो 2 4 6 8 10, बस 10 ही तक का है, तो क्या होगा 2 4 6 8 10, ये हो गई सम संख्याएं। अब कहा इनका समांतर माध्य निकालिए, तो बच्चों समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और दो से भाग, सभी संख्याओं को जोड़ो आ क्या करो आ कि फिर जितनी संख्या है उनसे भाग दो तो आएगा आंसर। चलिए हम आपको दोनों विधि से करके दिखाते हैं। देखिए तो ये विधि क्या कहता है कि सबसे पहले इनको जोड़ो, फिर क्या करो दो से नहीं,
दो से क्यों, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दो तब आएगा इनका समांतर मान, तो जोड़ो कितना होगा, 10 10 20 10 30 होगा, कितना होगा 30, आ 30 में 5 से भाग दो तो 6 आंसर, 30 में 5 से भाग दो तो 6 आंसर। तो ये तो हो गया किताबी कीड़ा कि हमें क्या करना है कि 1 से 10 तक दिया था तो हमें पहले लिखना है फिर ये करना है। तो अगर आपको ऑप्शन लिया जाएगा ये तो आप पेपर में ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में आ गया तो आप जल्दी से कैसे करेंगे, तो जल्दी से जल्दी करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जो ट्रिक ये है बच्चों, जो ट्रिक ये है कि आपको फर्स्ट और लास्ट लेना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट लेना है। ऐसी अगर कोई लगातार संख्याएं रहेंगी तो फर्स्ट और लास्ट लेना है, तो फर्स्ट है 2 और लास्ट है 10, और 2 से भाग दे दो, देखो कितना आ गया, 10 2 12, 12 से 2 से भाग दो गया 6 आंसर, देखो कितना आसान तरीका से आ गया, 10 2 12, 12 में 2 से भाग दो 6 आंसर, देखो एकदम हाथ मसलते आप क्या कर देंगे, इसका आंसर बता देंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे। चलो आगे देखते हैं, तो आगे है कि काश स्क्वायर 61 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश का मान होगा। अब बच्चों आपसे कहा है कि कास स्क्वायर 61 अंश और कास स्क्वायर 29 अंश का मान पूछा है, तो अब बताओ कि क्या इसे तुम लिख सकते हो, क्या इसे तुम लिख सकते हो साइन, क्या लिख सकते हो, क्या तुम इसे लिख सकते हो साइन 29 अंश, क्या इसे तुम साइन 29 अंश लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। तो हाँ, आप इसे साइन 29 अंश लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए होता है कि कास स्क्वायर 90 माइनस 29 को क्या लिख सकते हो आप, कास स्क्वायर 61 अंश, इतना को क्या लिख सकते हो, इतना को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 29 अंश, इतना को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर 29 अंश। अब बताओ बच्चों यहाँ पर इतना हो गया आप प्लस ये था। अब बताओ कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने त्रिकोणमिति चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बताइए आप, तो ये बताइए कि यहाँ भी थीटा समान, यहाँ भी थीटा समान, यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी कास स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, एकदम आप देखते बता देंगे कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, अब हम आपको क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए, जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि ये दोनों साइन का, ये दोनों एक में हो, और क्या हो कि ये और ये, ये और ये दोनों की थीटा को जोड़ने पर 90 अंश आए, दोनों की थीटा को जोड़ने पर क्या है 90 अंश आए, तो जब दोनों की थीटा को जोड़ने पर 90 अंश आएगा तो उसका आंसर बोल देना 1, उसका आंसर क्या बोल देना, उसका आंसर झट से बोल देना 1, ठीक है बच्चों, उसका आंसर क्या बोलोगे 1 बोलोगे, ध्यान से सुन लेना, उसका आंसर क्या बोलोगे 1 बोलोगे। ये हो गया इसका ट्रिक। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कहता है कि साइन अल्फा इक्वल टू कास अल्फा, तो अल्फा का मान। अब हमने अभी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान, तो बात वही है, जहाँ भी साइन आ जाएगा और कास आ जाएगा इक्वल टू में, अल्फा का मान पूछे तो आप कहेंगे सीधे 45 अंश, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सीधे 45 अंश, ध्यान से सुन लीजिए क्या कहेंगे 45 अंश। और अभी हमने आपको हल करके भी बताया था कि कैसे 45 अंश आएगा, तो ये तो आप देखते ही मतलब बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों कहता है कि 1/x² + 5 = 1/9, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है, तो कहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए निकालते हैं। तो 1/x² + 5 = 1/9 का है, तो यक्स का मान ना तीसरा तीसरी गुणा कर दो, चाहे दोनों पक्षों को पलट दो, तो दोनों पक्षों को पलट दोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 = 9 आएगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा तो कितना आएगा 4, आई स्क्वायर है तो इधर जाके करनी में होगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। कितना आसान तरीका हम आपको बताए, अब बताइए इससे आसान तरीका क्या कोई आपको बताएगा, एकदम आसान तरीका एकदम ट्रिक वाइज हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों जो ये था आपके लिए एक रामबाण के समान है, क्या ये आपके लिए एक रामबाण के समान है। तो ये जो आज का मॉक टेस्ट था हम लोगों का, जो आज का मॉक टेस्ट था वो आज बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।